नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंडिया नॉलेज शो में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के मैप में देखिए कि ईरान के चारों तरफ अमेरिकी सैनिक मौजूद है। किसी न किसी कंट्री में उनकी मौजूदगी यहाँ पे दिखाई देती है। दोस्तों दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तकरीबन 65,000 से लेकर 70,000 अमेरिकी सैनिक पूरे मिडल ईस्ट में तैनात है। जैसे आपको मैं एक लिस्ट बता देता हूँ कि ईरान के चारों तरफ जो जो कंट्री है वहाँ पर कितने कितने अमेरिकी सैनिक गार्ड कर रहे हैं उन सभी देशों को। अब इस मैप में देखिए दोस्तों, ईरान के आसपास में जितनी कंट्री है वो चारों तरफ अमेरिकी सैनिकों से घिरा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले बात करते दोस्तों अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में अमेरिका के तकरीबन 14,000 सैनिक वहाँ पर मौजूद है, मिलिट्री के मैन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कतर की। दोस्तों कतर में तकरीबन 13,000 अमेरिकी सैनिक है जो ईरान के जस्ट बाजू में है। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे B-2 बॉम्बर, अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बॉम्बर एयर फाइटर प्लेन भी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है बहरीन का। तो दोस्तों बहरीन में अमेरिकी के तकरीबन 7,000 सैनिक तैनात है। उसके बाद बात करते दोस्तों इराक में। इराक में तकरीबन 6,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है कुवैत में। कुवैत में 13,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है। उसके बाद दोस्तों आता है जॉर्डन। जॉर्डन में 3,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है ओमान में। सर ओमान में 600 अमेरिकी सैनिक मौजूद है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में कम से कम 500 अमेरिकी ट्रूप्स मिलिट्री मौजूद है दोस्तों। उसका दोस्तों लास्ट में नंबर आता है UAE अमीरात का। वहाँ पर तकरीबन 5,000 अमेरिकी सैनिक प्लस F-35 जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो भी मौजूद है दोस्तों। पूरे मिडल ईस्ट में ईरान के आसपास 65,000 के करीब करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, इतने सारे सैनिकों के घिरे होने के बावजूद ईरान के पास इतनी पावर है कि वो अमेरिकी सैनिक पर हमला करे और कोई भी अमेरिकी सैनिक मारा न जाए? दोस्तों ईरान भी एक देश ऐसा देश है कि उसकी यहाँ पे पब्लिक भी है। तो अपने देश को, अपने देश की संप्रभुता अखंडता बनाए रखने के लिए हमला तो करना ही था, इसलिए उन्होंने हमला किया। बट हमला करते वक्त उन्होंने ध्यान रखा कि किसी भी अमेरिकी सैनिक का जान माल की हानि न हो, उनका काम भी हो जाए और कोई हानि भी ना हो। वो बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, उसी तरीके से ईरान ने हमला किया। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हो इस मैप में, ईरान को मालूम है कि अमेरिकी सैनिक चारों तरफ फैले हुए हैं। अगर हम हमला कर भी देते हैं तो हम बच के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे जाएंगे दोस्तों? सीधी सी बात है, ईरान को हमला करना था, अपने देश को दिखाना था कि हमने हमला किया, हमने सुलेमानी का बदला लिया, उसने किया। बट कोई भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया दोस्तों। सोचो 15 से लेके 20-25 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बावजूद भी कोई अमेरिकी सैनिक मारा नहीं जाता है, तो उसमें आप क्या बोल सकते हो? और जानबूझ के बचा रहे हैं ना ईरान। तो दोस्तों आप देख रहे हो 65,000 अमेरिकी सैनिक पूरे मिडल ईस्ट में सर्विस दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ईरान के पास इतना पावर है कि वो कुछ हमला करके अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है? हमें तो नहीं लगता दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।